पूरा डिसीजन इसी पर व्यू है। श्री राम आइडियल हो सकते हैं लेकिन औरंगजेब जो है वो एक बादशाह है। गुरु तेग बहादुर का शीश काटा था औरंगजेब ने और इसीलिए शीशगंज गुरुद्वारा बना। और जो औरंगजेब की औलादों को चढ़कर मारेंगे वो जाहिल जाहिल है, चाहे किसी क्षेत्र में हो, किसी कौम में हो। जरा पाकिस्तान जाइए, जो अपने अपने मिसाइल का नाम रखता है बिन कासिम और गाजी। मौलवी साहब अगर वो कहे कि हम मौलवी साहब कोई इस्लामिक राष्ट्र बनाता है बनाना है, ऐसे मौलवियों को भी अपना पजामा छोड़ के भागना चाहिए। 25 करोड़ यहाँ जाएंगे, 25 करोड़ हिंदुस्तान के हो जाएंगे और बन जाएगा मुस्लिम प्रधानमंत्री इस देश के अंदर। पजामा आप छोड़ेंगे। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे पॉपुलर कार्यक्रम ये देश है हमारा। बीते हफ्ते एक के बाद एक ऐसी कई घटनाएं हुई जो कट्टरता के खतरनाक होते स्वरूप का आभास करा देती हैं। इस दौरान जो कुछ देखने और सुनने को मिला वो बेहद डराने वाला है और चौंकाने वाला है व्यूअर्स। आपने धर्मांतरण की खबरें तो पहले भी सुनी होंगी लेकिन ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि अब गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण का घिनौना खेल खेला जा रहा है। गैर मुस्लिम बच्चों को गेम जीतने का लालच देकर कुरान की आयतें पढ़ने और याद करने का टारगेट दिया जाता है। दूसरी ओर औरंगजेब के नाम पर हंगामा खड़ा कर दिया गया है। एक तबका औरंगजेब को जबरदस्ती नायक बनाने में जुटा है जबकि इतिहास गवाह है कि औरंगजेब जैसे जल्लाद का हिंदुस्तान की विरासत से कोई लेना देना नहीं है। इस मुद्दे पर सियासत भी घनघोर हो रही है क्योंकि कुछ लोग औरंगजेब में अपने लिए वोट बैंक तलाश रहे हैं। जहरीली सोच का दायरा इतना बढ़ चुका है कि एक के बाद एक कट्टरता को बढ़ावा देने वाली बयानबाजी जोर शोर से हो रही है। आए दिन देश के किसी ना किसी हिस्से से लव जिहाद की वारदातें देखने और सुनने को मिल जाती हैं। कट्टरता के लेवल में जो कमी बची थी वो दमोह के एक धर्मांतरण वाले स्कूल ने पूरी कर डाली है क्योंकि आरोप है कि गंगा जमुना स्कूल के नाम से 3 महिला टीचर्स का धर्म परिवर्तन हो गया। यह सारी घटनाएं बताने के लिए काफी हैं कि अब वक्त आ गया है कट्टरता की इस लेटेस्ट वेरिएंट को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। इसलिए आज स्टूडियोज में खास मेहमानों और युवाओं के साथ यानी जनता जनार्दन के बीच होगी सबसे सार्थक चर्चा। कट्टरता भारत छोड़ो ये देश है हमारा का आज का एडिशन इसी पर व्यूअर्स। कट्टरता किसी भी देश के लिए अभिशाप की तरह है। भारत में इसके कई वर्जन दिख रहे हैं। इसमें पहला है धर्मांतरण। आज तक आपने धर्मांतरण के कई तरीके देखे और सुने होंगे, जैसे लालच देकर, धोखा देकर, डराकर। लेकिन अब धर्मांतरण का ऑनलाइन वेरिएंट आ गया है जिसे गेम की शक्ल दी गई है और इसके जरिए नाबालिग गैर मुस्लिम बच्चों को टारगेट बनाया जाता है। फोर्टनाइट नाम के इस गेमिंग ऐप पर बच्चों को सबसे पहले टारगेट दिया जाता है। टारगेट में पहले हिंदू बच्चों को हराया जाता है, फिर जीत के लिए कुरान पढ़ने को कहा जाता है। कुरान पढ़ने वाले को फिर गेम में टारगेट दिया जाता है और इस बार कुरान की आयत पढ़ने वाले बच्चों को जिता दिया जाता है। जीत के बाद हिंदू बच्चों को कुरान की अहमियत बताई जाती है और इसके बाद होता है धर्मांतरण। इस तरह की घटनाएं समाज के लिए कोड है, कलंक है और ऐसे कलंक को खत्म करने के लिए हमेशा आदरणीय योगी जी की सरकार कटिबद्ध है। कट्टरता का दूसरा वर्जन है धर्म छिपा कर धोखा देना, जिसे लव जिहाद भी कहा जाता है। देश के हर राज्य से आजकल लव जिहाद की दिल दहला देने वाली तस्वीरें आ रही हैं और अगर कोई इस घिनौनी साजिश के खिलाफ बेटियों को सचेत करे तो सुनिए उन्हें किस भाषा में बुरा भला कहा जाता है। काजल हिंदुस्तानी नाम की एक ऐसी महिला
ये वो औरत है यहाँ से जो दूसरे महिलाओं को धर्म परिवर्तन के लिए उकसा रही। महिला का अपमान कर रही। जब आप नहीं, आप सुनिए मेरी बात, अब मैं बोलूंगा और आप सुनेंगे। कट्टरता का तीसरा वर्जन है क्रूर आक्रांताओं का एक एजेंडे के तहत महिमा मंडन। महाराष्ट्र के अहमदनगर में औरंगजेब के पोस्टर लहराने और कोल्हापुर में औरंगजेब का व्हाट्सएप स्टेटस लगाने का मामला तूल पकड़ चुका है। सवाल मेरा है, शिवाजी की धरती पर औरंगजेब की महिमा मंडन की वजह आप क्या मानते हैं, आपको क्या लगता है? उस औरंगजेब के बारे में जी कुछ भी अच्छा हो, उसको बड़ा करने की कोई भी कोशिश हो, तो शिवाजी महाराज का कोई भी सैनिक वो कभी सहन नहीं करेगा। महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादे पैदा हुई है। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस बोले ये औरंगजेब की औलाद, तो फिर ये गोडसे की औलाद कौन है बोलो हमको। दमोह में धर्मांतरण की पाठशाला का पर्दाफाश हुआ है। वहाँ गंगा जमुना स्कूल में प्रिंसिपल समेत 3 हिंदू टीचर्स के धर्म बदल दिए गए। कट्टरता एक गंभीर बीमारी है जिसे हर हाल में हिंदुस्तान से भगाना होगा। इसलिए वक्त आ गया है कि हम जाति पंथ से ऊपर उठकर कट्टर सोच पर कड़ा प्रहार करें। तो आज इसी विषय पर होगी जोरदार चर्चा। मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है? मेरे साथ डॉक्टर प्रेम शुक्ला है, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। डॉक्टर शोएब जवाई है, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन। डॉक्टर शोएब जवाई आपका अभिनंदन है। शादाब चौहान है, आपका अभिनंदन है। मेरे साथ स्वामी दीपांकर है, उनका अभिनंदन है। मौलाना साजिद रशीदी है, जाने माने धर्मगुरु, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ अंबर जैदी है, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है और इस चर्चा की शुरुआत मैं करता हूं और सीधा सवाल शादाब चौहान आपसे करता हूं। क्या आपको लगता है कट्टरता को भारत छोड़ना चाहिए, लेकिन जो इसको बढ़ावा देते हैं उन्हें भी भारत छोड़ देना चाहिए? 60 सेकंड। निश्चित आजाद भारत में कट्टरता की किसी के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन अफसोस ये होता है कि जब लोग कहते हैं कि मुगलों का दौर गुलामी का दौर, नहीं, गुलामी का दौर अंग्रेजों का दौर था। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को लेकर तरह तरह की बातें की जाती हैं। आप डिसएग्री करिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, वो हमारे इतिहास का हिस्सा है और वो वही बादशाह हैं जिनके दौर में 34% जो उनके अधिकारी थे वो हिंदू थे और उन्होंने उज्जैन महाकाल और गुवाहाटी के मंदिर में दान देने का भी काम उन्होंने किया। शकुंतला बेटी को इंसाफ दिया इब्राहिम का कत्ल करके। अगर कोई स्टेटस लगा देता है तो ये कौन सी कट्टरता है कि आप दंगा फैलाएंगे? अरे हाँ, मैं कहता हूं कि शकुंतला बेटी कट्टरता का सिर्फ औरंगजेब वाला एग्जांपल नहीं है। गेमिंग ऐप के जरिए भी धर्मांतरण हो रहा है, वो भी एग्जांपल है। लव जिहाद भी हो रहा है, वो भी एग्जांपल है। मध्य प्रदेश का गंगा जमुना स्कूल है, वो भी एग्जांपल है। ये 3-4 एग्जांपल है। बिल्कुल सारे एग्जांपल पे आ रहा हूं। 10 सेकंड दीजिए, उसी पे आ रहा हूं मैं तो कहता हूं कि स्टेटस लगाइए यह कहकर कि जिसको लगाना कि शकुंतला बेटी को जो इंसाफ दिया इब्राहिम जालिम का कत्ल करके औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने, वक्त के बादशाहों को भी जो दरिंदे साक्षी का, हमारी बहन श्रद्धा का मर्डर करते हैं उनको भी उसी तरीके से सजा दो। दूसरी लव जिहाद, एक शादाब भाई दिल पे हाथ रख के बात बताइएगा, आप अपने घर में औरंगजेब चाहते हो? शकुंतला चाहते हो? आपका बच्चा औरंगजेब वो चाहते हो? सुन लीजिए, उसने अपने पिता के साथ क्या किया था? मैं सारी बातों का लगा रहता हूं। आप अपने घर में औरंगजेब, अगर मेरे घर में औरंगजेब होगा जो मैंने स्टडी किया है, तो वहां पर कैलाश मानसरोवर हमारे कब्जे में होगा, दुनिया की 1/4 जीडीपी हमारी होगी और अंग्रेज माफी मांगे थे पैर रगड़ करके। आपने बड़ा सरल सवाल है, आप शकुंतला बेटी की बात कर रहे हैं, बहुत सारी रहमतुल्लाह बोल रहे हैं, 1-2-3 दिन पहले कुछ और बोल रहे थे। मैंने बड़ा सरल सवाल पूछा, आप अपने घर में औरंगजेब चाहते हैं? हमारे तो घर में होते हैं, क्या दिक्कत है? नाम है ये? नाम नहीं, मैं कहता हूं औरंगजेब जैसी शख्सियत चाहते हैं, जैसे हर माँ बाप चाहेंगे कि उनका बेटा राम जैसा हो, आप चाहेंगे कि आपके यहाँ कोई औरंगजेब जैसा? देखिए, श्री राम से औरंगजेब ने अपने पिता के साथ क्या किया था, भाई के साथ बात किया था, बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। मैं वही बता रहा हूं, उन्होंने क्या किया था? अपने भाई का गला कटाकर पूरे देश में घुमाया था, नहीं, और फिर अपने पिता को दे दिया। वो तो राजपाट के लिए लोग करते हैं, अशोक ने भी 99 भाइयों का कत्ल किया, वो अलग चीज। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि आइडियल जब बात आएगी, श्री राम
आइडियल हो सकते हैं, लेकिन औरंगजेब जो है वो एक बादशाह हैं, उनको आइडियल कौन होंगे? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानिए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन जब आप औरंगजेब को आइडियल मानने की कोशिश करते हैं कि वो विरोध वहीं से शुरू होता है। नहीं नहीं, आइडियल नहीं, आइडियल जिसने काशी विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग तोड़ने का प्रयास किया हो वो किसी का हीरो नायक कैसे हो सकता है? ये सवाल खड़ा होगा। एक सेकंड प्रेम शुक्ला, मेरा बड़ा सीधा सवाल पूछता हूँ। लॉ एंड ऑर्डर सरकार का काम होता है, शासन आपका है जी। आपका एक विधायक कह रहा है कि हम तलवार लेके निकल पड़ेंगे, उसको किसने अधिकार दिया? तो कट्टरता अगर औरंगजेब वाली है तो दूसरी तरफ से भी तो है, इसका जवाब दीजिए। तलवार कब देके निकलेगा ये भी ये नहीं सुना आपने? उसने कहा महाराष्ट्र की अस्मिता की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ी तो तलवार उठाएंगे। तो वो राष्ट्र रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ी नहीं है, राष्ट्र रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ी तो, वो ये नहीं कह रहा कि मैं तलवार लेके किसी की हत्या करने जा रहा हूं। जो लोग आए दिन सर तन से जुदा करने वालों का समर्थन करते हैं वो राष्ट्र रक्षा के लिए तलवार की बात होते ही आहत हो जाते हैं। अरे भाई, वहां से जिनको औरंगजेब बाबर गजनी चाहिए था वो सब पाकिस्तान गए। औरंगजेब बाबर गजनी को अपने पूर्वज मानने वाले ही जिन्ना के टू नेशन थ्योरी को मान रहे थे वही पाकिस्तान और बांग्लादेश बना। और आज भी पाकिस्तान में जब मिसाइल बनती है तो गजनी गोरी नाम रखा जाता है, इसीलिए लुटेरों के नाम पे रखा जाता है। और अगर कोई गजनी गोरी चलाएगा तो तलवार क्या बात करते हैं, हम पृथ्वी और अग्नि जैसी मिसाइलें चलाएंगे और जो औरंगजेब की औलादों को चढ़कर मारेंगे। ये जो है राष्ट्र रक्षा के लिए हमारा संवैधानिक दायित्व है जी। शोएब भाई, क्या आपको लगता है औरंगजेब को ग्लोरीफाई करना एक गलती है? और अगर हम गेमिंग ऐप के जो खबरें आई लगातार इस हफ्ते, गेमिंग ऐप के जरिए अगर धर्मांतरण हो रहा है तो ये वाकई बहुत गलत ट्रेंड है और इस ट्रेंड की मुखालफत होनी चाहिए। देखिए अमीश जी, कट्टरता का पैमाना सिर्फ किसी खास नाम से जुड़ाव हो उस बुनियाद पर नहीं होना चाहिए कि कोई खास मजहब का ताल्लुक रखने वाला सिर्फ वही कट्टरवादी हो सकता है। हमने देखा इस देश में, हमारे देश के गांधी, महात्मा गांधी की हत्या करने वाले गोट से उसकी पूजा करते हैं लोग, उसका स्टेटस लगाते हैं, उसकी तस्वीरें अपने मोबाइल में रखते हैं, बाकायदा अपना प्रोफाइल पिक्चर गोडसे का लगाते हैं, ये भी एक कट्टरता है। बहुत सारे लोग इस देश में, कौन जैसे कौन, बहुत सारे लोग हैं। अरे भाई, आपने शकुनी पांडे का नाम सुना होगा, आप गलत करते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी वो गलत करते हैं, वो गलत करते हैं ना, गलत तो सबको गलत बोलना पड़ेगा ना। नहीं, बिल्कुल वो गलत करते हैं, तो बताइए औरंगजेब की भी जो स्टेटस लगाते हैं वो भी गलत है, जो गोडसे का लगाते हैं वो तो गलत है ही, जो औरंगजेब का लगाते हैं क्या वो भी गलत है? ऐसे दौर में जब एक विचारधारा की बड़ी एक लड़ाई हो रही है, जब कोई चीज़ें कंट्रोवर्शियल हो, तो अपने नौजवानों से तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज़ों को ना लाया जाए। किसी की इसका स्टेटस लगाने से कोई ग्लोरीफाई नहीं हो जाएगा। और आप, अगर आपको लगाना है तो APJ अब्दुल कलाम का लगाइए ना, अगर आपको लगाना है तो मौलाना आज़ाद का लगाइए जो हमारे शिक्षा मंत्री थे। हमारे बहुत सारे आइडियल, क्या ज़रूरत है मुसलमानों को, मैं बता रहा हूँ ये कैसे होता है। क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने हर चर्चाओं में मुगल्स और औरंगजेब इतना चर्चा करते हैं कि उसकी रिएक्शनरी जिन मुसलमानों को मुगलों का कुछ नहीं पता, जो कभी नहीं सुने अपनी जिंदगी में माँ बाप से, वो भी सबको आइडियल मान करके स्टेटस लगाना शुरू। ये एक रिएक्शनरी समाज का हिस्सा है। अब मैं बस एक बात करके खत्म, इसलिए जब विचारधाराओं की इतनी लड़ाई में बहुत सारे लोग वीर सावरकर के बारे में अपशब्द कहते हैं, चाहे कांग्रेस के हों या दूसरे दल के हों, बाकी भारतीय जनता पार्टी और RSS उनको पूजनीय मानती है। ये लड़ाई एक टकरावट है, उसके बावजूद हम देखते हैं कि जब वीर सावरकर जी की बहुत सारे लोग तस्वीरें लगाते हैं, प्रोफाइल पिक्चर लगाया जाता है, औरंगजेब का क्या मुकाम? नहीं नहीं, मैं तुलना नहीं कर रहा। कहां आप देखते हैं, कहां क्या बात करते हैं सावरकर के बारे में अपशब्द? दूसरी पार्टियों काला पानी की सजा काटी देश के लिए, तो कभी झगड़ा नहीं होता जी जी, कभी झगड़ा नहीं होता, उसको दंगा करने की बात नहीं। स्वामी दीपांकर, क्या औरंगजेब को हीरो दिखाने से या फिर उसको हीरो ना दिखाने से इस देश का क्या हो जाएगा? स्वामी दीपांकर, ये सवाल मैं समझता हूं कि 400 साल पहले वो राह नहीं, वो राजनीति के लिए जीवित हो जाता है, यही औरंगजेब है, और इससे ज्यादा औरंगजेब की आइडेंटिटी कुछ भी नहीं है। दूसरी एक बात कहता हूं, ये दोनों का आईना, हाँ, ये बहुत बहुत सिंपल, बहुत सीधा है इसका फलसफा, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। वरना वीर शिवाजी के स्वराज को दुनिया जानती है, वीर शिवाजी के स्वराज को पूरा महाराष्ट्र देवतुल्य समझता है और मानता है। वीर शिवाजी के बारे में मैं गाथा गाऊंगा तो ये प्रोग्राम कम पड़ेगा, मगर मैं कुछ कट टू कट पॉइंट आपके सामने रखता हूं। वीर शिवाजी
अगर कोई चर्चा करता है ना तो सर रोआ खड़ा हो जाता है, रोमटा खड़ा हो जाता है। छत्रपति शिवाजी एक शब्द बोलिए आदमी के दिमाग में तो क्या छवि कोंदती है, उसको कहने की जरूरत नहीं। शीशगंज गुरुद्वारा प्रमाण है आपका, कई लाख सनातनी हिंदू प्रमाण है आपका, काशी मथुरा प्रमाण है आपका, और उसके बाद अगर कोई उस धरती पर या भारत की धरती पर इस प्रकार के वक्तव्य रखता है तो मैं समझता हूं कि वो भारत को प्रवोक कर रहा है एक नई नफरत के लिए। जी जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और बात जो स्वामी दीपांकर ने बोली कि औरंगजेब का नाम चिढ़ाने के लिए लिया जा रहा है, क्यों, क्या आपको लगता नहीं है कि ये वाकई गलत है? नहीं, स्वामी जी ने ये नहीं कहा कि चढ़ाने के लिए लिया जा रहा है। स्वामी जी ने कहा है राजनीति में वो पहली लाइन आखिरी लाइन सुन लेते आप, नाम निकल आता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये देश जो है वो देश है जहाँ रावण की भी पूजा होती है और रावण को हर साल वध भी किया जाता है, ये तो वो देश है। अगर आप कहेंगे साहब रावण को पूजा क्यों करते हैं जब रावण का वध होता है हर साल, तो ये तो कोई बात नहीं, कोई सवाल नहीं हुआ। औरंगजेब की आराधना शुरू करने वाले, सर 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 यजीद की आराधना सर, मैं आपके ये भी शुरू करने वाले बहुत जल्दी। मैं आप ही के आस्था पर बात कर रहा हूँ, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। रावण की आस्था में रावण कौन पूज रहा है भाई? आप में से रावण देश में रावण की मंदिर है, कोई नहीं, इनको इनको भ्रम है। मतलब हिंदुस्तान में तो भाई साहब रावण के मंदिर है बाकायदा देश में। कहाँ है भाई, क्या बात आप कर रहे हैं? इधर है रावण, रावण के मंदिर है देश में, क्या बात आप कर रहे हैं? सुनिए, मैं मुझे नहीं कहने देंगे, मेरी बात पूरी नहीं होने देंगे। मैं जानना चाहता हूं कि रावण का मंदिर कहां पर है। रावण रावण का मेरी नॉलेज बढ़ाइए, मंदिर कहां पे, पूजा कहां होती है? एक सेकंड, आप उनको 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 सवाल उनको उनका जवाब देने दीजिए, बोलिए आप सर। मुझे आप ये बताइए, बिल्कुल कल यहूदी यजीद को पूजे तो आप भी पूजने लगेंगे कि रावण को नहीं पूजा जाता हिंदुस्तान में? गोडसे को नहीं पूजा जाता? कल यजीद के लिए मंदिर नहीं है हिंदुस्तान में, नमाज पढ़ने वाले हैं गोडसे के मंदिर नहीं है यजीद के सामने, नमाज पढ़ेंगे? ये अनफेयर हो रहा है, अनफेयर अनफेयर की बात करेंगे तो मैं भी कहूंगा यजीद के सामने नमाज पढ़ेंगे आप कयामत के समय यजीद के पीछे खड़े हो जाना, पैगंबर मोहम्मद के पीछे मत खड़े होना। देश में हिंदू सेना नामक एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि मुसलमान की एक लड़की को जो लेकर आएगा हम उसको मकान देंगे और एक साल का राशन देंगे, ये कट्टरता नहीं है? बाकायदा धर्म संसद बुलाकर हरिद्वार के अंदर संतों ने मुसलमानों को मारने काटने की बात की, ये कट्टरता नहीं है? एक्शन हुआ वो सर, ये कट्टरता नहीं है? नहीं, एक्शन होना ना होना बात की बात है, एक्शन तो हुआ, जेल गए ना। सुनिए, आप तो कह रहे हैं कि नहीं हुआ, यहाँ पे एक्शन हुआ। मैं फिर वही बात, अरे भाई औरंगजेब जो स्टेटस लगा करिए कार्रवाई उस पर, मैं कब मना कर रहा हूँ? तो औरंगजेब को ये भी आपके सामने रहमतुल्लाह बोल रहे हैं, बात कार्रवाई की नहीं, आपके सामने रहमतुल्लाह बोल रहे हैं, मैं भी बोलता हूँ रहमतुल्लाह ले, क्यों बोलेंगे औरंगजेब को? क्यों नहीं बोलेंगे? औरंगजेब ने ऐसा क्या करा? मंदिर तोड़े, मंदिर तोड़े, सवामन जनेऊ जलाता था, जजिया लेता था, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन औरंगजेब का? सवामन जनेऊ जलाने का मतलब समझते हो आप? बिल्कुल समझता हूँ मैं, मतलब एक साल में सोचिए क्या हाल होता होगा लोगों का, एक साल में कितने कितने लोग मारे जाएंगे? अच्छा अच्छा आपने बोला, अब आपने बोला सवामन जनेऊ का मतलब पूछ रहे हो? शीशगंज गुरुद्वारे का मतलब भी बता दीजिए, दिल्ली के चांदनी चौक में है, क्यों बना था वो गुरुद्वारा, क्यों बना था शीशगंज गुरुद्वारा, किसी को पता है आपने से? दिल्ली का शीशगंज गुरुद्वारा क्यों बना था आपने से? जिसको पता है वो हाथ खड़ा करे अपना। झूठ इतना बोलना चाहिए, क्या झूठ बोलना चाहिए? गुरु तेग बहादुर का शीश काटा था औरंगजेब ने और इसीलिए शीशगंज गुरुद्वारा बना। नहीं, सवामन जनेऊ का मतलब समझते हो? दिल्ली के चांदनी चौक के अंदर सवामन छोटे साहिबजादों के साथ क्या किया था औरंगजेब के अंदर? जो औरंगजेब की वकालत करते हैं वो हिंदुस्तान के खिलाफत करते हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलता और ज्यादा तेज बोलने से झूठ झूठ आप बोलिए जाता। मुझे ये बताइए सवामन जनेऊ का मतलब क्या है? अगर रोजाना सवामन जनेऊ जलेगा साल में कितने जनेऊ जलेंगे और 800 साल में कितने जलेंगे? उस वक्त आबादी हिंदुस्तान की क्या थी? आप तो खुद झूठे हो जाएंगे, आप तो खुद झूठे हो जाएंगे, नहीं आप तो खुद झूठे हो जाएंगे। ये गलत बातें मत फैलाओ, आप टीवी एंकर हो और अच्छे एंकर हो, गलत बातें मत फैलाओ। हाँ, अच्छे बुरे का सर्टिफिकेट आप किसी को मत दीजिए, वो जनता खुद डिसाइड करेगी कौन अच्छा है कौन बुरा है। अमीश, जब बात आती है भारत की तो भारत में हम अलग अलग हम बात करते हैं, धार्मिक जो विश्वास है उनकी बात करते हैं, और भारत एक उदारवादी संस्कृति रही है, लेकिन कुछ लोग उस उदारवादी जो हमारी संस्कृति रही है उसको एक कमजोरी समझते हैं कि आप राष्ट्रीय चैनल पर खड़े होकर औरंगजेब को रहमतुल्लाह अलैह कहेंगे और रावण के साथ
आप तुलना करेंगे भगवान राम को लेकर आएंगे इस डिबेट में, और शिवाजी महाराज की धरती पर अगर औरंगजेब के पोस्टर निकालकर आप ये कहेंगे कि बाप तो बात होता है और भारत में रहकर फिर आप उसको राष्ट्रीय चैनल पर जस्टिफाई करने के लिए भी आ जाते हैं, तो माफ कीजिएगा आपसे ज्यादा कमजोर कोई नहीं है, क्योंकि ये भारत है, यहां पर रहकर आप राष्ट्रीय चैनल पर ये बात कह सकते हैं। जरा पाकिस्तान जाइए जो अपने अपने मिसाइल का नाम रखता है बिन कासिम और गाजी, तो आप भारत में रहकर, भारत में तो बात होगी ना भगवान राम की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, जिस दिन आप तो भारत पाकिस्तान किस आधार पर लोगों को कट्टरवाद और गलत इतिहास पढ़ाता है? देखिए आप लोग सही चीजें पढ़ाते नहीं है। शादाब चौहान एक बात बताइए, ये जो गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण का हो रहा था, इस पे भी करेक्शन होनी चाहिए कुछ नहीं? ये क्या था? बिल्कुल होनी चाहिए। अभी एक लोकल मौलवी भी पकड़ा गया वहां। नहीं बिल्कुल, अगर कोई तार पूरे भारत में जुड़े, सुन लीजिए क्या करेक्शन है। हाँ करेक्शन ये है, अगर कोई किसी को ट्रैप कर रहा है, चाहे अभी एक मनोज के नाम का था, वो क्या करता था, जो हमारी बेटियां हैं उनका डेटा, नंबर, मेल, अंडरगारमेंट का साइज विदेश में बेचता था। बेल मिल गई उसको, अभी इसका ये बेल मिल गई, वो आरोप भी नहीं तय हो रहे। नहीं नहीं, ये आरोप लगाना संजय पे, आरोप लगाना मिल गई। दूसरी चीज ये है कि अगर कोई भी ये ट्रैप करेगा, किसी को भी ट्रैप करेगा और बेटियों के साथ खिलवाड़ करेगा, चाहे उसका धर्म जाति, बेटियों वाला मामला ही नहीं है, वो धर्मांतर का मामला है जिसमें नाबालिग बच्चों को टारगेट किया जा रहा था। बोल रहा हूं उल्लभ जी, हाथ बेटियों वाला मामला। दो चीजें हैं। पहली बात तो ये अपने धर्म का प्रचार प्रसार अलग है जो संवैधानिक आजादी है, लेकिन ट्रैप करना जबरदस्ती, गेमिंग ऐप बनाकर तो कट्टरता है ना। ये तो कह रहा हूं मैं, दोनों खराब लोग हर जगह सुल्ली डील लेके आया था ना। सुनिए, एक ऐप आया था सुल्ली डील, उसने क्या किया, अगर कोई भी अपराधी मानसिकता का धर्म का प्रयोग कर रहा है हम उसको कंडम करते हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर कोई जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं कर सकता, देश संविधान से चलेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि सही कहा कि देश संविधान से चलेगा, बिल्कुल चलना भी उसी से ही चाहिए, मगर जब संविधान से देश चलेगा उसमें पर्सनल लॉ का जरूरत है क्या? फिर आप लोगों को पर्सनल लॉ चाहिए ना, और कौन सा देश है जिसमें लॉ पर्सनल होता है? कल को हमारे ही बीच से चार आदमी उठकर कहें कि हम सनातन के अनुसार चलेंगे और उसमें पाप का अर्थ पाप होता है और पुण्य का अर्थ पुण्य, और उसकी परिभाषा तय करने लगे तो यह अच्छा नहीं लगेगा। पहली बात बोलने दीजिए दादा। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि बच्चों के बचपन से जो गेम हो रहा था, जिसको गाजियाबाद पुलिस ने पकड़ा है, यह कोई साधारण चीज नहीं है अमीश बाबू, ये बहुत भयावह है। इसमें 40, 400 या 4000 या 4 लाख भी हो सकते हैं, ये कोई साधारण चीज नहीं है। वो छोड़ दीजिए, इस देश के एसेट्स हैं ये बच्चे, इस देश का भविष्य है ये बच्चे, और इन बच्चों को ऐसे कोई मार रहा है, कोई काट रहा है, वो छोड़िए। हम तो जिनकी बात कर रहे हैं एक कसाई ने, जल्लाद ने, जिसके साथ रह रहा था उसी के इतने टुकड़े कर दिए कि मैं बता नहीं सकता। मनोज नाम तो जाहिल जाहिल है, चाहे किसी क्षेत्र में हो, किसी कौम में हो, और उसको बर्दाश्त करना पूरे भारत के लिए पतन का कारण होगा। जी जी जी, जी बहुत अच्छी बात आपने बोली। मैं ये एक सेकेंड मैं डॉक्टर जमाई आपकी बताऊंगा, लेकिन आपकी बता रहा हूं मैं, क्या आपको लगता नहीं है जो गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण का मामला है ये वाकई संजीदा है, और इसकी पैन इंडिया अब जांच हो रही है, और इसका एक जो पूरा मामला आया है वो चंडीगढ़ में आया है, इसके तार थाने मुंबई के साथ जुड़े हुए आए हैं क्या, और विदेशी फंडिंग का मामला आया है क्या, आपको लगता नहीं है ये भी कट्टरता की एक निशानी है कि हम धर्म परिवर्तन करेंगे वो भी झूठ और फरेब करके? देखिए एक चीज को समझ लीजिए आप, कुरान ये कहता है लाइक रहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर कोई जबरदस्ती किसी को धर्म में लाने की कोशिश करता है तो वो इस्लामिक नहीं है। मैं कुरान के हवाले से बात कर रहा हूँ, वो इस्लामिक नहीं है, वो इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा है। तो मौलवी के साथ क्या कार्रवाई होनी चाहिए जो इसमें शामिल है? कड़ी से कड़ी कार्रवाई जी, कड़ी से कड़ी। अब सुनिए एक और बात सुनिए। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक मुद्दा, हाँ एक मुद्दा लव जिहाद का भी है। इस्लाम में शादी से पहले लड़की के साथ मिलना, उसके साथ डेटिंग करना, ये जायज ही नहीं है, तो फिर इस्लाम से उसका क्या लेने देना भाई, जो लोग डेटिंग कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, इस्लाम के साथ क्यों जोड़ा जाता है उसको? हमीश, हम इस तरह के मंचों पे खड़े होकर तो मीठी मीठी बात करते हैं, लाइक रहा फिद्दीन की बात करते हैं, लेकिन जब पीछे से नौजवान लोगों को वरगलाते हैं तो कहते हैं कि अगर आप किसी का धर्म परिवर्तन कराओगे तो आपकी 7 नस्लें जन्नत में जाएंगी। आप इस तरह के ल्योरमेंट देते हैं नौजवानों को, उनको इस तरह का उनका माइंडसेट तैयार करते हैं, उनसे आतंकवाद करवाना, लव जिहाद करवाना, चाहे धर्म परिवर्तन कराना, जो आप गेमिंग ऐप की बात करें, ये सारी चीजें मैं कई साल से ऑब्जर्व कर रही हूं, सिर्फ गेमिंग ऐप से
नहीं बच्चों के एंटरटेनमेंट के जितने भी टूल्स हैं, एनिमेशंस के बहुत सारे शोज यूट्यूब पे पाकिस्तान की तरफ से चलाए जाते हैं, जो कि भारत में बहुत बड़े स्तर पर देखे जाते हैं, जहां पर बच्चे के माइंड को एक तरह से उसको हाईजैक किया जाता है और धर्म परिवर्तन की तरफ लाया जाता है, उस पर लालच दी जाती है। उन चीजों को आप जब अलगाववाद इस तरह की चीजें शुरुआत होती है, जड़ में बात नहीं करते, आप अच्छी अच्छी चीजें लाकर आप राष्ट्रीय ऑडियंस का राउंड। सवाल 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 किस किस के सवाल है, बोलिए क्या सवाल। मेरा सवाल है कि जो औरंगजेब को सपोर्ट कर रहे हैं, जिन्होंने जिसने 1,00,000 से ज्यादा हिंदुओं की हत्या की है, जिन्हें सपोर्ट करना है वो चले जाएं, जो पड़ोसी मुल्क बना है वहां पे चले जाएं। और ओवैसी जी कहते हैं कि औरंगजेब को मतलब वो सब सपोर्ट करने के लिए, मतलब औरंगजेब को वो डिफाइन कर रहे हैं गॉडसे के पीछे जा रहे हैं, जो वो इन कहना के सवाल क्या, यहाँ पे किसी ने ये नहीं माना कि जो गॉडसे है वो उनके बाप है, लेकिन वो मान रहे हैं कि वो उनके बाप है औरंगजेब। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने बोला गॉडसे कोई अपना बाप नहीं माना, लेकिन औरंगजेब को कुछ लोग अपना बाप मान रहे हैं। कुछ लोग मान सकते हैं अपना बाप औरंगजेब को? नहीं, पहली बात तो यह है कि कौन बाप मानता है, कोई वैचारिक क्या मानता है, कौन गुड़ से, वो उनका अपना अधिकार है। लेकिन दो बातें स्पष्ट कर, यही तो स्टेटस था, सुन लीजिए, यही तो स्टेटस था, यही तो मामला है पूरा। सुन लीजिए, अगर कोई किसी को बाप इस तरह की बात करेगा तो मैं उससे डिसएग्री करता हूं, लेकिन वहां उस मजार पे जाना एएसआई प्रोटेक्ट, पूरी पूरी बात सही, मैं उसी भाई का जवाब दे रहा हूं, मुझे पूरी बात रखने दीजिए। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का जो मजार है वो सुन लीजिए, नहीं नहीं नहीं, क्या मुझे बोलना, नहीं क्या मुझे बोलना, बोलने का अधिकार है, लेकिन रहमतुल्लाह क्यों बोलेंगे? नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, भारत के रहकर हजारों अगर मैं गलत बोल, सुनिए, विध्वंस करने वाले को यहाँ किसी, यहाँ किसी मंच से किसी व्यक्ति ने स्टूडियो में ना बोला इधर, या इधर किसी ने गोडसे को रहमतुल्लाह अलैह बोला, अब औरंगजेब को रहमतुल्लाह अलैह बोल रहे हैं, चढ़ाने की बात कर रहे हैं ना बाकी लोगों को। आप देखिए, भाई ने कहा पड़ोस में चले जाओ, पड़ोस में आपको पता है प्रधानमंत्री जी औरंगजेब की नस्ल, जो बेटे और औलाद की बात करें ना, उनकी मजार पे प्रधानमंत्री जी गए थे, शादाब, सुन लीजिए, शादाब नहीं गया था। दूसरी बात यह है कि शकुंतला बेटी का इंसाफ पढ़िए, तीसरी बात थी शकुंतला बेटी, क्या पता नहीं कहां चला रहे सर। सर आपने बोला अभी जो भी बोले ये औरंगजेब वाला उन्हें गिरफ्तार करवाइए, आप ही का एक इंसान को छोड़ के वो उन्होंने अभी बोला, हाँ उन्होंने बोला औरंगजेब बादशाह थे, उनको मानना चाहिए, आइडियल है, आप बताइए गिरफ्तार करवाइए, आप उनको गिरफ्तार नहीं बोला, आइडियल नहीं बोला मैंने, बादशाह है वो, बादशाह थे, हाँ अच्छा, हमारे नहीं थे, हमारे नहीं थे, पहली बात तो हमारे बादशाह नहीं है, हमारे बादशाह है, हमारा देश लूट के गए, हमारे बादशाह नहीं है, पहली बात तो गिरफ्तार करवाइए उनको अभी के अभी। वो कह रहे कि हमारे बादशाह नहीं है, जो देश लूट के गए वो हमारा बादशाह नहीं है, लूट के गए कहीं नहीं गए, गलत अफवाह है। जी 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 जी, सवाल 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 कहीं ऑडियंस है, ऑडियंस आप जवाब दे दो, 10 सेकंड, 10 सेकंड, एक सेकंड सवाल, जैसे कि अभी इनने बोला था सर ने कि हमारे इस्लाम में अलाउड ही नहीं है शादी से पहले निकाह से पहले डेटिंग करना, तो डेट तो इनके ही उसमें कास्ट के लोग ही करते हैं ना, कास्टिज्म नहीं कर रही मैं, बट करते तो इन्हीं के लोग हैं डेटिंग, जब इनके इस्लाम के, इनके लोगों को नहीं पता कि इनके इस्लाम में अलाउड ही नहीं है डेट करना। वो कह रहे कि आप एक एक सवाल आपने बोला कि ये तो हराम है इस्लाम के अंदर, अब इस्लाम में तो टीवी पे आना भी हराम है, पर आप भी आते हैं बाकी लोग भी आ रहे हैं, ये सवाल तो नहीं उन्होंने किया, नहीं नहीं मेरा सवाल है ये, तो ये सवाल तो नहीं, मतलब गलत तो कई चीजें हैं अपनी तरफ से, एक नहीं मैं, अरे सवाल मेरा, मैं अपनी तरफ से नहीं सवाल पूछूंगा, मैं सर एक जर्नलिस्ट हूँ, पत्रकार हूँ, सवाल तो पूछ सकता हूँ, जब उनसे सवाल पूछ रहा था तो ताली बजा रहे थे, अब आपसे पूछ रहा हूँ तो भाग रहे हैं। सुनो भाई साहब, सुनो जी, अभी अभी बहन ने कहा कि औरंगजेब बादशाह था, औरंगजेब बादशाह को, बेटा सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो, औरंगजेब बादशाह वो था जिसने चटगांव से लेकर कश्मीर तक इतना बड़ा भारत दिया था, जिसमें भारत दिया था हजारों सालों से, भारत हजारों सालों से, भारत हिस्ट्री सुनते ही बुरा लगता है, भारत और राम के भाई भारत से भारत आया, बिल्कुल एकदम राम के भाई भारत से भारत आया। अच्छा इतना बुरा क्यों लगता है, सिंधु नदी के किनारे, अच्छा इतना बुरा क्यों लगता है, सिंधु नदी के किनारे, इतना बुरा क्यों लगता है, गलत कहते थे भाई साहब, ओ भाई साहब सुन लो, जी ओ भाई साहब सुन लो, जी 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 सुन लो, हमारी भी सुन लो, बिल्कुल हम माइनॉरिटी में हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मेहमान है आपका, इस्तकबाल है, बोलिए अपनी बात, अब सुनो, और दूसरी बात, डबल माइक लेके आ रहा हूं, शोएब भाई, दूसरी बात, एक एक बहन ने और कहा कि जब नाजायज है तो क्या उनको पता नहीं, बेटा जब इस्लाम को मुसलमान की नजर से आप देखोगे, इस्लाम में बहुत बुराइयां आपको नजर आएंगी, क्योंकि मुसलमान शराब पीना हमारे यहाँ जायज नहीं, मुसलमान शराब भी पीता है, जिना करना हमारे यहाँ जायज़ नहीं, मुसलमान जिना भी करता है, चोरी करना हमारे यहाँ जायज़ नहीं, मुसलमान चोरी भी करता है, तो हम मुसलमान के अमल से इस्लाम को ना देखें, इस्लाम को इस्लाम की ही नजर से देखें कि इस्लाम में ये बुराइयां बुरी हैं। ठीक है, ये देश है हमारा, में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार
ये चर्चा और आगे बढ़ेगी। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा। अब मैं चाहता हूं अखंड भारत। आप बताइए अखंड भारत चाहते हैं? अखंड भारत चाहते हैं और हिंदू ही प्रधानमंत्री रहेगा। चलता रहेगा।